घर से कुछ नहीं आएगा, आ सभी के घर से रहा है, उसको किसका दिख रहा है ये उसके देवता पे निर्भर है। मेरे देवता सभी के घर जा रहे हैं, मेरा काम आधा अधूरा नहीं मिलेगा, आपको सबका पूरा ही मिलेगा। गुरुजी कोई पीरों की जगह सी दिख रही है, कोई मजार बनी हुई है, रोड पे से जाते हैं तो तीन रास्ते निकलते हैं, इधर की साइड एक इधर की साइड, इधर से थोड़ा सा मुड़ते हैं तो कोई किसने स्थान बना रखा पीरों का, वहां पे कोई जाता था पहले आता था, वहां से किसी के साथ चीजें जुड़ी हुई है, कोई पीरों की सेवा करता था वहां पे जाके, कोई पीरों की जगह बना रखी है, वहां से उसके साथ में पीर चलता था, उसके शरीर पे आता था, लेकिन रुका हुआ है, लेकिन अब झंझनाट होनी चालू हो रही है। गुरुजी वो पीर दिख रहा है जो वहां पे बंदित लगी हुई थी उसकी, ये कौन था जो कोई जाता था पीरों पे? आप में से कोई भाई ऐसे हैं जो पीरों पे जाते थे? हाँ, तीन रास्ते निकलते, एक इधर, यहीं पे पीर की जगह बना रखी है, आप जाते थे वहां पे, पीरों की कृपा थी वहां से तुम पे, और रोक रखते थे पीरा। बोलो शनिदेव महाराज की। गुरुजी एक घर और दिख रहा है, घर में एंट्री लेते के साथ ही इधर से गेट लग रखा है, बड़ा गेट है, गेट के बाद से थोड़ी सी आगे चलते हैं तो हल्का सा जो जिन है वो ऐसे चल रखा है, उसके साथ में रसोई है, पीछे दो कमरे बना के इधर खुला सा छोड़ रखा है, हल्का हल्का सा नीचे से गुलाबी गुलाबी सा कलर दिखता है, ये घर किसका है? एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा चढ़ते हैं, बड़ा सा गेट है, बड़े से गेट के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऐसे करके जीना जा रखा है, उसके साथ में रसोई है, फिर पीछे कमरा है, इधर की साइड में थोड़ा खुला सा है, ऊपर भी मकान बन रखा है, ऊपर आमने सामने कमरे दिखते हैं, ये घर किसका है? दो मंजिल का मकान है वो, खड़ी है उधर, दो मंजिल का मेरे को दिख रहा है, ऊपर का आधा सा दिखता है गोला। हाँ इसका गोला ले आओ, ये शामिल कर ली बात देवता ने, ये श्रद्धा से खड़ी होगी ना, बता देना भाई मेरी तरफ इशारा करा देना, पहले गोला ले आओ बहन जी फिर इधर आओ। हाँ बता इसमें होता क्या है ये बताइए, मकान इधर आके बताओ बहन। नहीं एक ही बात है भाई, बहुत आवाज नहीं आ रही, बहुत आवाज है जी, पैरों में दिक्कत रहती है, पेट में समस्या रह गया, शरीर में सूजन आती थी, पैरों में से दिक्कत रहती है, ऐसे पेट में से चीजें उठती थी, गले के द्वारा आती थी, उल्काई लगती थी, खाने पीने में दिक्कत होती थी, महिला प्रेत बैठी है गुरुजी शरीर में, वो निकटती हुई आ रही है। वो आ गई शरीर में भी आ गई, गुरुजी एक घर और दिख रहा है, घर के बाहर डोली सी है, उसके साथ में इधर की साइड में पेड़ पेड़ सा लग रखा है, घर के बाहर की साइड में सीधे हाथ पे पेड़ है, घर में एंट्री लेते के साथ ही थोड़ा खुला है, पीछे की साइड में दो कमरे नीचे नीचे से, एक इधर की साइड में कमरा है तो उसमें सामान रखा हुआ है, और इधर की साइड में छोटी सी रसोई है, घर किसका है? बाहर की साइड से चार दीवारी हो रखी है, सीधे हाथ पे एक पेड़ सा है, अंदर एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पीछे दो कमरे है, एक इधर कमरा सा जिसमें सामान रखा है, इधर की साइड में रसोई सी है, पुराना घर है, गांव का घर है, किसका है? ये बता रहा हूँ घर में थोड़ा सा चार दीवारी हो रखी है, इधर की साइड में पेड़ सा है, पेड़ के बाद थोड़ा सा आगे चलते थोड़ा खुला है, आगे तक का खुला है, पीछे दो कमरे बना रखे, इधर की साइड एक कमरा सा है तो पुराना है जिसमें सामान वगैरह रखा है, इधर की साइड में एक रसोई सी डाल रखी है, घर किसका है? ये गांव की साइड का पुराना घर सा दिखता है, दो कमरे इधर की साइड में एक कमरा है जिसमें सामान रखा है, जिसमें सामान वगैरह जैसे गेहूं होता है कुछ भी सामान रख देते हैं, सामान रखा है, ये घर है यहाँ का किसी का? किसका घर है? बनारसी का। गुरुजी कई बार क्रिया हो रखी है इनके घर पे, पुरानी चीजें चलती है, पुराने घर में से दुश्मनाई है, भाइयों में दिक्कत थी, भाइयों में दिक्कत होके भाइयों के ऊपर से क्रिया चल रही है,
मशान का प्रेत निकल रहा है। आ गया ऊपर, आ गया। बोलो शनिदेव महाराज की जय।